हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं 2-3 दिन ऑफलाइन था, तो मैं कुछ वीडियो भी नहीं डाल रहा था। तो मैं आज फिर से यहाँ पे आ गया आप लोगों के साथ और एक टूर्नामेंट लेके। तो गाइस, अभी और एक मैं टूर्नामेंट अरेंज किया, जो इस बार का जो टूर्नामेंट होगा वो होगा सोलो का, और ख़ास करके इस बार का टूर्नामेंट होगा ओनली फॉर गिल्ड मेम्बर्स के लिए। जो लोग मेरा गिल्ड पे है, जो लोग मेरा गिल्ड का मेम्बर है, उनके लिए है ये चांस। क्योंकि बहुत दिन पहले मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपना गिल्डमेट को लेकर एक टूर्नामेंट कराऊं, और बहुत लोग बोल भी रहा था कि भाई इस हम लोगों के लिए एक टूर्नामेंट करूँ ना। तो मैंने सोचा फाइनली इस बार कर देता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने बोला था आप लोगों को, जो टूर्नामेंट हुआ था कुछ दिन पहले, ट्रिपल पावर का टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें भी मैंने बोल दिया था जो नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगा वो आएगा गिल्डमेट बैटल, मतलब वहाँ पर ऑल गन का चैलेंज होगा ओनली फॉर गिल्ड मेम्बर्स को लेकर। तो उसी टाइप का सेम चैलेंज भी होगा आप लोगों के लिए, जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है लेकिन मेरा गिल्ड पे नहीं है। तो आप लोग भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों के लिए भी होगा। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा। अभी जो गिल्डमेट बैटल में जिस रूल्स के हिसाब से मतलब टूर्नामेंट होगा, उसी रूल्स के हिसाब से आप लोगों को भी नेक्स्ट खेलने को मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ से बातचीत कर लेता हूँ जो गिल्डमेट बैटल होगा वो किस टाइप का होगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसमें 5 कस्टम होगा, फुल मैप कस्टम 5 होगा। उसमें मैं मैप अपना रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते, तो कोई भी मैप हो सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे और गाइस, 5 कस्टम जो होगा वो अलग अलग मोड पे होगा। एक गेम आप लोगों को खेलने को मिलेगा ओनली एयर गन से, फर्स्ट चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे ऑल गन भी अलाउ होगा। मतलब ऑल गन अलाउ होगा, मतलब ऑल गन का चैलेंज यहाँ पे बैटल होगा, ऑल गन का चैलेंज का बैटल। तो फर्स्ट जो गेम होगा वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एयर गन यूज़ करने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड गेम होगा उसमें सिर्फ SMG गन यूज़ करने को मिलेगा। थर्ड जो गेम होगा उसमें आप लोगों को जो शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन वगैरह जितना भी कैटेगरी आती है, जैसे आप सबको पता है आप लोग लाइव स्ट्रीम में खेल चुके हो उसी टाइप का टूर्नामेंट, तो उस थर्ड गेम में शॉर्ट गन यूज़ कर सकते हो। अगर जो फोर्थ गेम होगा उसमें ओनली स्नाइपर्स। जो फिफ्थ गेम है तो ओपन टू ऑल, मतलब सब गन आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बोल दिया, तो कस्टम किस टाइप का होगा, जो 5 मैच होगा, फर्स्ट मैप मतलब फर्स्ट मैच होगा एयर गन का, सेकंड मैच होगा SMG वाला गन का, थर्ड मैच होगा यहाँ पे शॉर्ट गन का, फोर्थ मैच होगा स्नाइपर का, और जो फिफ्थ वाला कस्टम है वो होगा यहाँ पे ऑल गन्स का। इन 5ों कस्टम को मिला के जिसका सबसे ज़्यादा किल होगा वही होगा इस टूर्नामेंट का विनर। तो बाकी किसी का इस बार पॉइंट नहीं है, नंबर 1, 2 या भूया पे भी कोई पॉइंट नहीं है, आपका ज़्यादा किल पे पॉइंट है। तो आप जितना ज़्यादा किल करोगे 5ों मैच को मिला के, वही टूर्नामेंट का विनर होगा। लेकिन ये बात भी है कि मैं जो यहाँ पे गान का चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जिस गान का आप लोगों को चैलेंज दूंगा, मतलब काम मतलब कस्टम बनाने से पहले, तो आप लोगों को उस गान के साथ ही खेलना पड़ेगा। अगर सपोज़ किसी ने यहाँ पे दूसरा गन पकड़ लिया, यदि मैंने यहाँ पे एयर गन का चैलेंज दिया, तो यहाँ पे गलती से किसी ने यहाँ पे SMG गन उठा के किसी को मार दिया, तो वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो जिसको भी मार दिया उसको ऑलरेडी 2 पॉइंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। अगर के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से किसी ने उसको मार दिया तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएगा, वो मिलेगा अपना पावर से, मैं उसको 2 पॉइंट दे दूंगा अगर किसी ने वहाँ से गलती कर दिया तो। और जिसने वो जो भी वो गलती करेगा वो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। तो खास करके जो लोग मेरा गिल्ड से है अभी यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग तो एक्टिव है, बहुत सारे लोगों को पता है, और जो लोग एक्टिव नहीं है आप लोग एक्टिव हो जाओ। तो अभी मैं बातचीत करता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वैसे तो आप लोग सभी मेरा गिल्ड से हो, तो अभी तो मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। तो आप लोग तो किंग को जानते हो, जो मुन्ना बीर मालिक, तो आप लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। तो कैसे खेलना है, कब खेलना है, आप सबको वहाँ से उसके साथ मतलब बात करो, पता चल जाएगा। और गाइस, में जो टूर्नामेंट है उसके लिए मैं 2 टाइम सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक टाइम है 3 बजे और एक है 7 बजे। उसका टाइमिंग भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कौन सा टाइम पे करो। हर दिन मतलब एक इसी टाइम पे होगा, अगर आप लोग जिस टाइम सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पे हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत के लिए आप लोग यहाँ से, जो किंग गेमर है, मतलब किंग आप लोग जानते हो उसको, मेरा गिल्ड में जो है बहुत पुराना मेंबर है, उससे आप लोग बात कर सकते हो ज़्यादा बातचीत के लिए। या फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन भी उसके वहाँ पे कर लो। वैसे अभी मेरा इंस्टाग्राम पे तो सबको आने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबका इंस्टाग्राम है भी नहीं है। तो आप लोगों को पता है, अगर जिसने भी वीडियो देखो तो आप लोग किंग से बात कर लो, क्योंकि आप लोग किंग के साथ गेम खेलते हो, मुझे पता है। और जो लोग मुझे जानते हैं तो लोग को सबको चांस मिलेगा, खास करके जो लोग मेरा गिल से हो, जो लोग इस वीडियो पर आएगा, जिसका भी मुझे कमेंट देखने को मिलेगा, वो सबको चांस मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग किंग से बात कर सकते हो, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
क्योंकि मुझे पता है आप लोग उनसे मतलब फ़ोन में भी बातचीत करते रहते हो फिर के साथ, तो उसको भी बोल दो, वो भी रजिस्टर हो जाएगा मेरा इंस्टाग्राम पे आने के लिए। मतलब चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी रजिस्टर आके कर सकते हो मेरा, नहीं तो किंग के साथ बात करके भी रजिस्टर कर सकते हो। और खास करके आपको एक्टिव रहना पड़ेगा वीडियो के ऊपर, और वीडियो पे आना पड़ेगा, नहीं तो चांस नहीं मिलेगा। और खास करके यहाँ पे जो किंग तुमको मैं बोल रहा हूँ, जो इस वीडियो पे नहीं आएगा वो डायरेक्ट आउट हो जाएगा, उसको काउंट मत करना तुम, ठीक है? उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देना। अगर तुम्हारे पास कोई आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है तो अगर तुमको बोलता है हाँ भाई मैं भी खेलूँगा, ऐसे तो तुमको बोलेगा कि कौन कौन खेलेगा तुझे पता चलेगा। अगर जो भी यहाँ पे वीडियो पे नहीं है और इसका कमेंट नहीं मिला तो उसको डायरेक्ट यहाँ से डिस्कलवे से बाहर निकाल देना। मैंने अभी तुझे बोल दिया तो देख लें और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करा लेना सबका। और होप और टाइमिंग का भी तू सेट कर लेना, मैंने यहाँ पे बोल दिया 7 बजे या 3 बजे, तो आप लोग डिसाइड करके बोल देना यहाँ पे कब करो। और साथ ही साथ जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, तो आज ही रात से मैं स्टार्ट करा दूँगा या कल से स्टार्ट कर दूँगा, तो आप लोग यहाँ पे लेट मत करो होप, क्योंकि जितना जल्दी होगा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो होप आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो रूल्स क्या है, रूल्स है 5 कस्टम होगा, फुल मैप का 5 गन का चैलेंज होगा यहाँ पे, एक एक करके एआर का, एसएमजी का, स्नाइपर का, शॉर्ट गन का, इसके अलावा ऑल गन का। तो इसी तरह से 5 कस्टम होगा, जिसका सबसे ज़्यादा किल होगा वो होगा उस टूर्नामेंट का विनर। बाकी किसी का कोई कमेंट नहीं, मतलब पॉइंट नहीं है। और रजिस्ट्रेशन आपको मेरी इंस्टाग्राम पे भी आके कर सकते हो, और साथ ही साथ किंग जो मेरा गिल का बहुत पुराना मेंबर है उसके साथ बात करके भी आप लोग वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बस उसको बोल देना और आपका वीडियो पे एक्टिव होना चाहिए। और खास करके मैं और एक बात बोल रहा हूँ, जो मेरा सब्सक्राइबर्स है मेरा गिल, वो तो मेरा मतलब सब्सक्राइबर लेकिन मेरा गिल पे नहीं है, तो आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट इसी टाइप का सेम चैलेंज, मतलब अभी जो चैलेंज हो रहे हैं यहाँ पे जिस टाइप का कस्टम होगा, तो उसी टाइप का सेम कस्टम आप लोगों को नेक्स्ट टूर्नामेंट पर खेलने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने रूल्स बताया सबको, तो रूल्स को ठीक से देख लो, और आगे मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें भी आप लोगों को नेक्स्ट रूल्स के बारे में पता चल जाएगा। तो होप आप लोग अच्छे से देख लेना, और नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा सिर्फ आप लोगों के लिए, तो उसका भी वेट करना। तो अभी जो मेरा इस टूर्नामेंट है, तो इसको मैं सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ जो अपना गिल मेंबर है उन सब के लिए। तो खास करके जो मेरा गिल से है, तो आप लोग वीडियो पे एक्टिव रहो और रूल्स को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? और रूल्स को फॉलो करना, अगर किसी ने कोई गलती कर दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर भी हो सकता है। तो होप आप लोग ऐसा गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार हो। और रजिस्ट्रेशन भी कर लेना किंग के साथ, मतलब किंग से बात करके। यही है, यही आशा के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टूर्नामेंट का वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय सबको, और आप लोग जल्दी जल्दी टाइम बता देना यहाँ पे। और खास करके किंग जो भी मेंबर यहाँ पे क्लिक बेट करता है उसको मतलब सिलेक्शन मत करना, मैं तुझे बोल रहा हूँ। तुझे पता है कौन कौन क्लिक बेट मेंबर है कौन कौन नहीं, तो आज तू फिर से चेक कर लेना। और जिसका भी मतलब क्लिक बेट देखने को मिले तुझे, उसको बोलना और डिस्क्रिप्शन कर देना, और उसको चांस नहीं मिलेगा मेरी तरफ से भी, कहीं से भी वो आउट हो जाएगा इस टूर्नामेंट से। जो रियल मेंबर है, रियल मेंबर अगर मुझे 10 भी मिल गया तो 10 लोगों के साथ ही मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो कौन कौन क्लिक बेट मेंबर है, कौन कौन रियल मेंबर है, वो सब तू देख लेना, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम, वो तुम्हारा फ्रेंड है तो उसको तुम ले लोगी, वो क्लिक बेट मेंबर है फिर भी तुम उसको ले लोगे, ऐसा मत करो, ठीक है? आई होप मुझे पता है तू अच्छे से करेगा, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला तो सही तरह से देखेगा, और जो रियल है उसका ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी लोगों का नहीं होगा, तो उसको देख लेना, ठीक है?